आप देख रहे हैं BHBC News। दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को पूरा एक महीना हो चुका है। पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन देश के कई राज्यों में फैलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। सड़कों पर किसान बढ़ते गए तो आंदोलन में शामिल किसानों की जान भी जाती रही और इसकी गूंज विदेशों तक पहुँच गई। एक महीना पूरा हो चुका है, किसान आंदोलन कब तक चलेगा यह कोई नहीं जानता है। पंजाब के किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर एक महीने पहले दिल्ली के लिए कूच किया था। बैरियर व पत्थर हटाते हुए आधी रात को हरियाणा में पहुंचना शुरू हुए थे। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई तो नेशनल हाईवे 44 पर पड़ाव डाल दिया गया और उसी दिन से किसान वहां पर डटे हुए हैं। यह हाल सिंघू बॉर्डर का ही नहीं बल्कि गाजीपुर टीकरी बॉर्डर का भी है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों पर किसान डेरा डाले हुए हैं। एक महीने के आंदोलन के दौरान किसान संगठनों के नेताओं की कई बार बैठकें हुई जिसमें देश भर के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। बैठक होती रही, रणनीति बनती रही। दिल्ली की घेराबंदी, टोल प्लाजा फ्रीज, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, अनशन तक की रणनीति बनाई गई। अब किसानों का आंदोलन इतना कुछ करने के बाद भी थमता नहीं दिख रहा बल्कि वह लगातार आंदोलन को चलाए जाने की रणनीति तय कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब यह आंदोलन देश का ही नहीं बल्कि विदेश में भी मुद्दा बन चुका है। इसकी गूंज देश के साथ ही विदेशों तक गई है और किसानों का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा। हालांकि किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी सांसदों ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिका के सात प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है। इनमें भारतीय अमेरिकी मूल की सांसद परमिला जयपाल भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने पोम्पियो से अपील की है कि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाएं। अमेरिकी सांसदों ने पोम्पियो को लिखी चिट्ठी में कहा कि ये मामला पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख अमेरिकियों से भी जुड़ा हुआ है और अन्य राज्यों के भी भारतीय अमेरिकियों को प्रभावित करता है। अमेरिकी सांसदों ने लिखा, कई भारतीय अमेरिकी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों की खेती और जमीन पंजाब में है। वे भारत में अपने परिवार वालों को लेकर चिंता में है। इन गंभीर हालातों को देखते हुए हम आपसे भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करने की अपील करते हैं ताकि राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। बड़ी संख्या में सिख और दूसरे समुदाय के लोग किसानों के समर्थन में भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अमेरिका से पहले 36 ब्रिटिश सांसदों ने भारत के किसान कानून के विरोध में ब्रिटेन के विदेश सचिव को चिट्ठी लिखी थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत के सामने इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने की मांग की थी। कनाडा में भी किसान आंदोलन को लेकर कई रैलियां हो रही है। वहीं बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग टोरंटो समेत कई प्रमुख शहरों में किसान आंदोलन के समर्थन में रैली कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भी भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन के विषय में कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने तो यह कहा कि जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, यह कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। इस तरीके से किसान आंदोलन अब देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन चुका है क्योंकि तमाम देश अपनी नजर इस पर गड़ाए बैठे हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।